एक दो तीन चार पांच। भरी पंचायत में एक महिला ने एक लड़के को दनादन पांच तमाचे जड़ दिए और लड़का सिर झुकाए तमाचे की चोट बर्दाश्त करता रहा। मामला उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का है। यहाँ के सिंभावली थाना इलाके में ये वाकया हुआ। ऐसा नहीं है कि पंचायत के बीच महिला ने तैश में आकर ऐसा किया और लड़के ने उसके तमाचे का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि ये पांच थप्पड़ इस लड़के को सजा के तौर पर मारे गए। जी हाँ, सजा के तौर पर। सजा देने में महिला ने जरा भी मुरव्वत नहीं की। कड़कड़ाती ठंड में हल्की सी ठोकर लग जाए तो बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। ऐसे में पूरी ताकत के साथ गाल पर मारे गए पांच थप्पड़ की चोट इस ठंड में बर्दाश्त करना कितना मुश्किल रहा होगा, ये तो यही लड़का बता सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर लड़के ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था जो उसे भरी पंचायत में इस तरह से जलील होना पड़ा। तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल इस महिला और इस लड़के के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। मामला गांव की पंचायत तक पहुंचा, ग्राम प्रधान के घर पर ही पंचायत हुई। पंचों ने पूरा मामला जानने के बाद लड़के को दोषी करार दिया और महिला को पांच थप्पड़ की सजा देने का हक दिया। इसके बाद महिला ने बिना देर किए दनादन पांच थप्पड़ लगा दिए और तुरंत पंचायत से चलती बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश के सहकारी दुग्ध संघ सांची के दूध में मिलावट का खुलासा होने के बाद शासन प्रशासन चौकन्ना हो गया है। राजधानी भोपाल का खाद्य सुरक्षा विभाग भी नींद से जाग गया है। मंगलवार को खाद्य विभाग के अधिकारियों ने अचानक मौके पर पहुंचकर सांची दुग्ध संघ के कई टैंकरों की जांच की। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने दुग्ध संघ के प्लांट पर आने वाले दूध के टैंकरों की विधिवत जांच की और सील को भी चेक किया। इसके बाद अधिकारियों ने दूध के टैंकर और दूध कलेक्शन और चिलिंग सेंटर पहुंचकर उसकी भी तफसील से जांच की। अधिकारियों ने दुग्ध संघ के कर्मचारियों को बताया कि वो किसी भी वक्त प्लांट में औचक निरीक्षण के लिए आ सकते हैं। दरअसल पिछले साल 14 दिसंबर को क्राइम ब्रांच की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 20,000 लीटर दूध लेकर भोपाल के सांची दुग्ध संघ प्लांट जा रहे एक टैंकर को पकड़ा था। मिलावटखोर इस टैंकर को जंगल में ले जाकर उसमें 1,800 लीटर दूध मिलाकर टैंकर में निकाले गए दूध के बदले यूरिया और गंदा पानी मिला रहे थे। क्राइम ब्रांच की टीम ने टैंकर के ड्राइवर को दबोच लिया, जिसने कबूल किया कि वो ऐसे ही हर टैंकर में दूध चोरी कर मिलावट करते थे। मिलावटखोर जो शुद्ध दूध टैंकर से चोरी करते थे, उसमें भी वो मिलावट कर भोपाल में दूधियों के जरिए घर घर बेचते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।